अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आई एम गुड टू। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से अपने खूबसूरत सबसे फेवरेट नॉवल जन्नत के पत्ते के बारे में। हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे उसी सीन से, हम कंटिन्यू करेंगे। यू नो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी या नहीं देखी तो जाके देखिए, कि दीज टू वीडियोज आर इंटरलिंक्ड। अगर आपने पहले नहीं देखी तो दूसरे का मजा नहीं आएगा, बिकॉज I had a little rant in the first video। मैंने थोड़ा डिरेल हो गई, थोड़ा ना ऑफ ट्रैक चली गई मैं बात करते करते। यू नो मेरी चाबी भर दो, मैं ऐसे ही बस ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ, बहुत बात होती हूँ भाई मैं। तो मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चली गई, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई, बट आई डोंट माइंड एनी ऑफ दैट। आई डोंट बैक आउट ऑफ एनी ऑफ दैट, बिकॉज आई स्टैंड ऑन बिजनेस। यू नो आई एम स्टैंडिंग ऑन बिजनेस। मैंने जो कहा आई डोंट थिंक इट वॉज रॉन्ग अबाउट माई, अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव इट वॉज राइट, बिकॉज जो जो मैंने कहा मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ इन कैरेक्टर्स के बारे में। और मुझे लगता है कि हम वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री। सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो बैक वॉच दैट वीडियो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब सभी लोगों को मैंने थोड़ा सा ताना मारा कि बच्चों को कह के आप बता दो कि उनके कौन रिश्तेदार हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे उनको बताएंगे अपने ब्लड रिलेटिव्स बैक होम का तो ही आपको पता चलेगा ना। तो अब ये बात हया को लग रहा है कि सिर्फ सबीन भुप्पो ने सुनी है, जिनका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो गए ये बात सुन के। लेकिन यू नो एंड मी नोज दैट हया जिहान ने भी ये बात बहुत अच्छे से सुनी है, लेकिन वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। यू नो गुंडा मीसना तो वो है। भुप्पो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लट्ठे की मानिंद सफ़ेद। फिर वो बदिक्कत मुस्कुराई और बोले थे सर झटका, ठीक ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही ना सकी। वो अब मुतमइन थी अपने लहजे में पे, उसे कतई अफसोस नहीं हुआ। यू नो माई गर्ल हया, मतलब कि आई सपोर्ट हर इन ऑल गुड एंड बैड। आई एम सॉरी टू से दैट, लाइक आई एम नॉट इवन सॉरी, आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट सपोर्टिंग हया, शी डिजर्व्स ऑल द सपोर्ट। ये उन लोगों की बेरुखी थी जिसके बायस उसका इनसे ताल्लुक एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। वो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक थी। किसी के मनकूबा होकर भी खानदान के लड़के उससे उम्मीद लगाने लगे थे। इस कड़वी दवाई का जरा सा जायका ये जिम्मेदार भी तो चखे हैं जिन्हें अपने बेटे को ये बताना याद रहा कि वो उसकी कज़न है, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग हालात की लड़की है। आप कैसे उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सानिया जैसी होगी? सानिया यू नो कौन है, वो है जिहान का फ्रेंड, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, जो पिंकी बने हुए थे मेजर वो वाले, आई लिटरली डोंट रिमेम्बर हिज नेम, ओ माय गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद मी। खैर जो भी, उनकी एक तो फ्यांसी हो गई हैं या कोई भी, जिसे उनको जैसे सॉरी जिहान को वो जो भाटी जेल में से वो लड़की नहीं चुकाने आई थी जो हिजाब वाली थी और कुछ इस तरह, उसने उसको भी देख के कहा था मरज मिला है ये भी। अब व्हाई डस ही एक्सपेक्ट हया टू बी लाइक दैट? लाइक शी इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, शी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, शी हैज ऑलवेज गॉटन प्रिंसेस ट्रीटमेंट। क्या इसका मतलब है कि जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली लड़कियाँ उनके दिल, उनका दिल नहीं होता है या वो कुछ, अगर शी कैंट राइज टू द ओकेजन, अगर उसको जरूरत होगी तो क्या वो पूरी नहीं उतर पाएगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो बहुत सी ओकेजन से मुझे ऐसा लगा कि हया सॉरी जिहान वॉज अ बेज फ्लैग एंड समटाइम्स इवन रेड वेन ही लाइक विक्टिम ब्लेम्ड हया फॉर बींग किडनैप्ड एंड नियरली असोल्टेड एंड किल्ड। आई मीन आई डोंट नो, यू गाइस टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट। आई मीन अगर हम वापस, बहुत डिट्रैक हो गई, फिर मैं डिटेल हो जाती हूँ भाई, मुझसे ज़्यादा बातें ना किया करो, मैं बहुत पागल हो जाती हूँ, बोलना शुरू कर देती हूँ, चुप भी नहीं करती फिर मैं। अच्छा खैर, जो सही हमने डिस्कस किया है उसके बारे में अगर हम बात करें, यार जिस तरह से मतलब एक तरह का टॉन्ट तो किया है, आई एग्री टॉन्ट आपको बड़ों को नहीं करना चाहिए, बट वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टू। शी इज लाइक ऑलवेज पैम्पर्ड एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट गर्ल एंड शी डजंट नो बियॉन्ड दैट। And this is not her fault either, okay? This was the way she was brought up. This was not her fault. थोड़ी मतलब वो भी थोड़ी ना मतलब एक तरह से ही देखती है बात को, थोड़ा इधर उधर नहीं देखती, लेकिन वो फिर भी थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर देती है हर किसी को, जो कि जिहान नहीं देता है। अब उसने जो ये बात की है कि बच्चों को आप दिखा बताओगे आपके वो रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो ही बच्चों को पता चलेगा। अब शी इज़ कमिंग फ्रॉम द वे, from the place where she has limited knowledge, she doesn't even know कि रुहेल का भी सबीन भुप्पो और जिहान से कोई ताल्लुक है, जो कि बाद में पता चलता है कि उनका तो बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में, बहुत गहरे उनके राज भी आपस में बहुत हैं। बट द वे हया हैज़ लिमिटेड नॉलेज राइट नाउ, शी डजेंट नो एनी बेटर। सो इफ शी लाइक सबीन भुप्पो को अगर आई डोंट से आई एम नॉट सेइंग कि सबीन भुप्पो के साथ उसने अच्छा किया, ओके शी वॉज राइट, शी वॉज
she wasn't right at that time. She was not in the right state of mind. That was like really a miss, right? Really. मतलब वो भी सही नहीं था जो हया ने सबीन हुप्पो के साथ किया, बट आई वुड रादर हैव सबीन हुप्पो बी मैड अबाउट इट देन जिहान. मतलब सबीन हुप्पो को हक है उसे नाराज होने का या कुछ भी, बिकॉज शी वेंट थ्रू अ लॉट, सो डिड जिहान. बट वाई ही डजंट हैव अ राइट टू बी मैड अबाउट इट, बिकॉज ही हैज नॉट हैड द टॉक विथ हर. अगर आप पहले आप थोड़ा उसको एफर्ट पुट करोगे तो फिर आप एक्सपेक्ट करोगे ना. अगर हया ने एफर्ट जितना वो कर सकती थी उसने उससे ज़्यादा किया, वो अगले लड़की आ गई है. बट अगर आप थोड़ा सा एफर्ट, ठीक है आपको मौका नहीं मिला अभी तक, लेकिन आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं पे पुट कर सकते. शी इज़ कमिंग फ्रॉम लिमिटेड नॉलेज, जो मैं बात रिपीट बार बार कर रही हूँ, बट यू नो वट, इट्स माई इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज माई इमोशंस आर आई गेस कॉन्ट्रोवर्शियल, विच आई हैव बीन टोल्ड अराउंड एंड अराउंड अबाउट, बिकॉज पीपल थिंक दैट जिहान इज एन अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग, विच आई डोंट टोटली एग्री विद. समटाइम्स इज अ बेज फ्लैग. समटाइम्स जिनको उसे ये याद, जिनको अपने बेटे को ये बताना याद रहा कि वो उसकी कजिन है, और बस दफातन उसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फ्रेम फोटो फ्रेम पर पड़ी. तब हया ने जो ताना मारा है, और कि मतलब उसकी उसका जो माइंडसेट है ना वो ये है, शी इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट सारी उम्र मैंने ताने बर्दाश्त किए हैं. शी डजंट नो बेटर कि हया ने, सॉरी जिहान ने कितना सफ़र किया, वो ने कितना सफ़र किया, एंड वट वॉज द फैमिली क्लैश बिटवीन दैम दैट लेट डू सबीन मूविंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान फॉर एवर. उसको नहीं पता है, तो शी इज़ पार्टली राइट ऑल्सो. उसके हम अगर आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, बहुत सी बातें हम इस तरह कर जाते हैं कि हमें नहीं पता होता अगले की पोजिशन क्या है, बट वी स्टिल डू देयर. सो आप जैसे अपने आप को थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर देते हैं बाद में, तो आप हया को भी दें प्लीज़. सो दफातन उसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फोटो फ्रेम पर पड़ी. उसमें एक खुश शक्ल, दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे. सर पे आर्मी कैप और खाकी वर्दी के कंधों पे सजे तमखे और फूल सितारे. ये फूफा हैं, वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी. सबीन फूफो ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया. अब ये आगे जिहान का एक और डायलॉग है. इंसान का रिश्ते तब याद रहते हैं जब उसके माँ बाप उसको रिश्ते याद दिलाए. वो पलटे बिना खासा जिता कर बोला तो हया चौकी. तो वो उससे इतना ताल्लुक जितना ला ताल्लुक समझ रही थी. उसका ख्याल था कि जिहान ने उसकी तरफ बातों पे ध्यान नहीं दिया था, मगर नहीं, वो जाहिर नज़रअंदाज किए सब सुन रहा था. वो ज़रा मुख्तात सी होकर सीधी हुई. मेरा मतलब है फूफा आर्मी में थे, पाकिस्तान आर्मी नहीं. अब जो जिहान है वो उठे हैं और उन्होंने जो फोटो फ्रेम है ना वो फ्रिज की छत के ऊपर ऐसे ना उसको सरफेस के ऊपर कर दिया, और वो फोटो फ्रेम जो है ना वो उसकी आंखों से जाहिर ओझल हो गया है. कि तो हया लाइक गर्ल सी हो गई है कि ये रूडनेस. हया तुमने खाना तो नहीं खाया, मैं बस लगा रही हूँ. फूफू अब संभल कर दोबारा से हशाश पशाश सी हो गई थी. मम्मी आपका कैबिनेट तैयार है. वो अब कैबिनेट का दरवाजा खोल बंद करके चेक कर रहा था. थैंक यू जिहान, और बाथरूम का नल भी. फूफू ने गोल मेज पर पुलाव का बड़ा सा प्याला रखते हुए याद दिलाया. आय हाय फिर वही बदमजा पुलाव. रहने दें फूफो मैं. अब उसने इनकार करने की ना एक नई तरकीब सोची कि मैं खाना खा के आई हूँ, कुछ इस तरह का जैसे कि आप अमन कहते हैं गेस्ट के घर जाके कि भाई कोई तकल्लुफ ना करें कुछ. हालांकि उसको ये है कि उसको पुलाव पसंद नहीं है, बात सारी ये है. कोई अगर मगर नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं बना सकी, इसलिए अब इनकार करके मुझे शर्मिंदा मत करना. शुरू करो हया. रहदारी के पार अब जो है ना वो जब उसने पेट में निकाले अपने चावल और जो लोबिया का छोटा सा शोरबा, जरा सा शोरबा उसने निकाला है, तो उसमें ना घंटी बजी. अब यू नो एंड मी नोज कि घंटी पर कौन है. तो जो कि है जिहान की स्कीम है. स्पॉइलर अलर्ट इफ यू हैव नॉट रेड द नॉवल फॉर द 100th ऑफ टाइम, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ नॉवल पढ़ लें फिर आए वापस, अदरवाइज डोंट ब्लेम मी फॉर द स्पॉयलर्स. दूसरे ही चम्मच में वो पुलाव उसे मज़ेदार लगने लगा था. डीजे ठीक कह रही थी, उनको खाना सिर्फ सफ़र की मतली के बायस बुरा लग रहा था. राहदारी के उस पार जिहान किसी मर्द के साथ तुर्क में कुछ बोल रहा था. दोनों ही मदम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी. अब वो बंदा कौन है? वो बंदा है कुरियर सर्विस वाला जो कि एक वाइट बुके का पूरा वाइट फूलों का एक बुके लेकर आया है हया के लिए. हया सुलेमान के नाम पे रसीद है वो, और ऊपर लिखा है टू माई वैलेंटाइन हया सुलेमान. फूफू आपके हाथ में बहुत जायका, और उसकी बात मुँह में ही रह गई जब वो बोला हया. उसका चमचा पकड़े मुंह तक जाता हाथ और बात दोनों रुक गए. बेहद बेयकीनी से उसने गर्दन मोड़ी. जिहान राहदारी से उसे पुकारता चला आ रहा था. क्या उस मकरूर और बददिमाग आदमी को उसका नाम याद रह गया था? लाइक सो स्ट्रेंज, उसको नाम याद रह गया है अगर. हु कुड हैव गेस्ड? जी वो मुश्किल बोल पाई.
वो किचन के खुले दरवाजे से अंदर आया तो हया ने देखा उसके हाथों में एक अध खिले गुलाबों का बुगे और एक सफेद कार्ड था। क्या तुम यहाँ रहने आई हो? वो उसके सामने खड़ा सख्ती से पूछने लगा। मतलब आई डोंट नो, ही कुड हैव बीन नाइसर एट दैट मोमेंट, ही कुड हैव नॉट टीज्ड हर इवन मोर। वो पहले ही इतनी घबराई हुई थी, सो देर वॉज नो नीड ऑफ दैट, बट यू नो जहान तो फिर जहान है। वो किचन के खुले दरवाजे से अंदर आया तो हया ने, अच्छा नहीं नहीं तुम क्या यहाँ रहने आई हो? नहीं, वो सांस रोके उन सफेद गुलाबों को फूलों को देखती रही थी। तो फिर अपने वैलेंटाइन को मेरे घर का पता देने की क्या जरूरत थी? मतलब बंदा कुत्ता पाल ले, लेकिन जिहान जैसा जो शोहर है ना, मतलब आई डोंट नो इफ आई से इफ आई शुड से दिस, बट वो ना पाल ले बिकॉज ही इज लाइक, क्या मैं कहूँ, अब जो छोटी छोटी निब्बीज हैं वो गुस्सा कर जाएंगी। आई एम सॉरी गर्ल्स, बट आई सैड व्हाट आई सैड। नहीं मैंने नहीं, वो फटी फटी निगाहों से फूलों के ऊपर गिरे सफेद कार्ड को देखने लगी जिसपे हरूफ लिखे नुमाया थे, फॉर माई लव हया सुलेमान फ्रॉम योर वैलेंटाइन। दफा उसका मोबाइल चीख उठा। किचन में एक शर्मिंदा सी खामोशी छाई हुई थी। उसने चौंक कर देखा, घर से कॉल आ रही थी। उसने कॉल काटी और उठ खड़ी हुई। हया बैठो बच्चे, फुप्पो ने उसे रोकना चाहा। मेरी मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही है, वो बाहर आ गई है, शायद चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अब फुप्पो की शक्ल से जाहिर है कि ऑब्वियसली उसकी फ्रेंड की कॉल नहीं है, बट शी गॉट लाइक एक्सक्यूज, उसकी झोली में पके आम की तरह जो बहाना है वो उतर के आ गया। एंड टू बी फेयर इट वॉज गुड फॉर हया टू जस्ट लीव एट दैट टाइम बिकॉज देर वॉज सच एन ऑकवर्ड सिचुएशन लाइक। और अब जो हया है वो बस पीछे मुड़े बगैर देखती, वो मतलब देखे बगैर वो जाती रही हैं। और वो जाकर एक और गली में मतलब जाके बैठ गई हैं जहाँ उनको हाले का भी एक घंटे और इंतजार करना था। मतलब शी इज सो लाइक एम्बेरस्ड ऑफ एवरीथिंग दैट हैपन एट द हाउस।